हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस मैंने अभी तक पब्लिश किए हुए हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ऐसे टॉप 5 वीडियोस mysurgery के, जो कि टेक्निकल वीडियोस हैं जिसमें कुछ ना कुछ आपको लर्न कराया जा रहा है। और ये वीडियोस, क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि यूट्यूब पे कुछ एल्गोरिथम है जिसके कारण वीडियो सजेशन लिस्ट में आते हैं, तो हो सकता है कि ये वीडियोस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टेक्निकल चीज़ों पर बेस्ड हैं, इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाते हो। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट पर बहुत नैरो ऑडियंस के लिए, यानी मास के लिए नहीं होता है, वही लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, अच्छा कुछ सीखना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए होता है। तो ये वीडियोस हो सकता है उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए हो, पर टेक्निकली इन कॉन्सेप्ट्स को सीखना आपके लिए बेहद काम का होगा। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल भी हैं, तो अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना है, तो मैं 5 ऐसे वीडियोस के बारे में आपको बता रहा हूं। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, और साथ में मैं यहां पर आपको ऊपर जो कार्ड है उसमें भी दिखा रहा हूं, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो की मैं बात करता हूं, व्हेन टू यूज एन एरे इन अ प्रोग्राम। देखिए, ये एक जो वीडियो था, ये इसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बनाया था, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के डाउट्स के कारण बनाया था जो अक्सर कंफ्यूज होते थे कि कब उन्हें एरे बनाना है, कब नहीं बनाना है। उनका ये क्वेश्चन होता था कि भाई, अगर हम सिंपल अलग अलग वेरिएबल्स लेके भी काम कर सकते हैं तो एरे क्यों बनाना है। फिर भी वो इस बात का कुछ हद तक जवाब दे सकते थे, लेकिन कई बार वो इस बात पे कंफ्यूज हो जाते थे कि हमें कब वन डायमेंशनल एरे बनाना है, कब हमें टू डायमेंशनल एरे बनाना है। तो इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे की जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बनाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था। इसमें बहुत अच्छी एनालॉजी, बहुत अच्छे एग्जांपल के थ्रू मैंने इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है। तो इस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको चेक करिएगा, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने अभी अभी सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, उनको तो ये मस्ट है ये वीडियो देखना। इसके अलावा दोस्तों, एक और वीडियो है जो सेकंड नंबर पे मैं बताने वाला हूं आपको, वो है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है इंटरव्यू में, और कई बार स्टूडेंट्स को फंक्शंस का कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो ये कॉन्सेप्ट उनका थोड़ा वीक रह जाता है, और इसीलिए ये वीडियो बेहद काम का है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनाएगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर चेक करिए, ये रहा इसका लिंक। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो भी सी लैंग्वेज सीखता है, प्रोग्रामिंग शुरुआत करता है, वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, बनाना ही पड़ता है। तो हम लोग ज़्यादातर प्रोग्राम्स बना लेते हैं इफ एल्स पर, लूप पर, स्विच केस पर, इन्हीं पे ज़्यादातर हम लोग प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं। और जो आगे के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एरे पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, पॉइंटर पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, डीएमए पढ़ा, तो यहाँ तक जाते जाते हमारी हालत हो जाती है पतली, और हम यहाँ पर जाके हो जाते हैं सुस्त, और हम इनकी प्रैक्टिस कम कर पाते हैं, इनके प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी हमें थोड़े कम ही मिलते हैं, तो हम लोग इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं। और इसका खामियाजा ये होता है कि हमें आगे प्रोग्रामिंग में बहुत दिक्कत जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन लास्ट के टॉपिक्स के भी प्रोग्राम्स बनाएं। खासतौर पे मैं बोलता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर अगर आप करते हैं ना, तो आपको सी लैंग्वेज में जो लास्ट के टॉपिक्स पढ़े हैं ना, वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स बनाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करने के प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये लास्ट के टॉपिक्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी चीज़ आती है, वो है एसएमए और डीएमए। ये दो टर्म है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, एसएमए वर्सेस डीएमए, जिसमें बहुत डिटेल में मैंने ये बात बताई हुई है कि दोनों में क्या फ़र्क है, और ये फ़र्क जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि सी लैंग्वेज में आप एसएमए भी देखते हो, डीएमए भी देखते हो, कई दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिसमें केवल डीएमए होता है या केवल एसएमए होता है, तो आपको एक ऐसी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है जहां पर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है। तो ये वीडियो अगर आपने चेक नहीं कराया, तो प्लीज़ चेकआउट दिस वीडियो, एसएमए वर्सेज डीएमए। और मुझे कितनी बार लोगों ने ये सवाल पूछा है, फ़ोन कर करके सवाल पूछा है, और इनफैक्ट जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ सी लैंग्वेज, स्कैनएफ जब पढ़ाता हूँ इनपुट लेने के लिए, तो हमेशा स्टूडेंट भी पूछते हैं कि सर, स्कैनएफ में एड्रेस ऑफ क्यों लगाते हैं। और ये सवाल का जवाब मैं उन्हें बोलता हूं कि स्कैनएफ सीखते वक्त आपको नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे पॉइंटर्स चैप्टर। तो जब आप पॉइंटर्स चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद ये सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है। अब आप इंटरेस्टेड है ये जानने में कि स्कैनएफ में एड्रेस ऑफ क्यों लगता है, तो इसके ऊपर भाई मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज इस लिंक पर क्लिक करिए और आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि स्कैनएफ में एड्रेस ऑफ क्यों लगाते हैं। दोस्तों, 5वां वीडियो है लिंक लिस्ट का प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट लिंक लिस्ट। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम था, ये उन लोगों के लिए था जो डेटा स्ट्रक्चर भी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बड़ा टफ लग रहा है, उन्हें बहुत दिक्कत जा रही है। तो लिंक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है,
वो भी और साथ में प्रोग्रामिंग भी, ये दोनों चीज़ें इन वीडियोस में कवर होती हैं। तो ये वीडियो अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ इसको चेक करिए, इससे आपका डेटा स्ट्रक्चर के प्रति डर भी थोड़ा कम हो जाएगा और लिंक्ड लिस्ट जैसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक थोड़ा ईजी लगने लगेगा, तो डेफिनेटली आप इसको इन्जॉय करने वाले हो। दोस्तों अगर ये पाँचों वीडियो आपने देख लिए हैं, पहले भी देख लिए, तो आप कॉमेंट करके बताइए, और नहीं देखे तो पहले इनको देखिए और सीखिए और उसके बाद मुझे बताइए कि आपको ये सजेशंस कैसे लगे। तो अगर आपको ये सजेशंस अच्छे लगे हैं तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जल्दी से सबसे पहले इसको लाइक कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी सोशल मीडिया है उसमें इस वीडियो को आप फैला दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा इस वीडियो के बारे में। अच्छा लगा तो ठीक है, आप ये सब जरूर करेंगे। तो दोस्तों माय सर जी की फैमिली में आपका स्वागत है, जो लोग नए जुड़े। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।